प्रिय छात्रों, एमपी बोर्ड गणित में आपका स्वागत है। और इस आगे बढ़ते हुए हम लोग निर्दिष्ट कार्य 1.7 में ही दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें तो पहले लिखना है दिया गया समीकरण। जो समीकरण दिया गया है उसे लिखना है, जो कि है ए एक्स धन बाई बराबर 5, दूसरा है 3x धन बाई बराबर 1। अब हमें देखना है कि क्या ये व्यापक वर्ग समीकरण है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके बराबर में हम लोगों ने ट्रिक बनाई हुई कि 0 नहीं है। तो ये व्यापक वर्ग समीकरण नहीं मानना है, क्योंकि हम लोगों के व्यापक वर्ग समीकरण जो होते हैं वो उनके बराबर में 0 होता है। लेकिन यहाँ बराबर में 0 नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ, तो यदि यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लेता हूँ, यदि ये ऐसा लिखा है ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर 0, तो ये व्यापक वर्ग समीकरण है। और यदि लिखा है ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर 0, तो ये भी व्यापक वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसके बराबर में 0 है। तो हमें इस समीकरण के जो हमें दिया गया है इसके बराबर में भी 0 लेना है। तो बिल्कुल आसान है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ लिखना है समीकरण को व्यवस्थित करने पर, समीकरणों को, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं दिए गए समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, जब हम व्यवस्थित करेंगे तो ये बराबर में 0 लाएंगे। तो ये होगा ए एक्स धन बाई ये 5, जो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धन का माना जाएगा और उस तरफ जाएगा, तो ये ऋण का 5 हो जाएगा, बराबर हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार 3x धन बाई जो धन का 1 है उस तरफ ले जाएंगे, तो ये ऋण का 1 हो जाएगा और बराबर में हमें 0 मिलेगा। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं और इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ समीकरण 1 व 2 की तुलना पिछले सवालों जैसा ही करेंगे, और उसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर 0 तथा ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर 0 से करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो हमें ए वन का मान क्या मिल जाएगा, ए वन का मान हमें ये मिलेगा, बी वन का मान यहाँ लिखा रहता है और सी वन का मान ये रहेगा। दूसरी जगह से यदि समझना है आपको तो यहाँ देख सकते हैं ए एक्स, यहाँ ए वन एक्स लिखा, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो ए का मान, ए वन का मान हमें मिलेगा ए। तो चलिए ए वन का मान हमें मिला है स्मॉल ए कॉमा, बी वन का मान हमें मिलने वाला है, यहाँ बाई और बाई कैंसिल, तो बी वन का मान हमें मिलेगा एक, क्योंकि यहाँ एक माना जाता है, तो बी वन का मान मिलेगा एक। और सी वन का मान हमें मिलेगा, यहाँ से देखना है ऋण 5, पूरा का पूरा जो अचर राशि है ये पूरी की पूरी मिल जाएगी ऋण 5। अब यदि आपको इसकी ट्रिक बनानी है तो ट्रिक भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स के साथ जो भी होगा वो ए वन का मान होगा, बाई के साथ जो भी उसका गुणांक होगा, यदि कुछ नहीं है तो एक तो माना ही जाएगा, तो वह जो होगा बी वन का मान होगा, और जो यहाँ अचर राशि होगी वह पूरी की पूरी सी वन का मान होगी। इसी तरीके से नीचे भी करना है, नीचे की ट्रिक है एक्स के साथ में जो समीकरण 2 में होगा वो ए टू का मान हो जाएगा, जो यहाँ बाई के साथ में होगा ये बी टू का मान हो जाएगा, जो कि बाई के साथ में कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ बी टू का मान भी हमें मिलेगा एक, और सी टू का मान जो मिलेगा ये पूरा का पूरा नीचे का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को पहले शर्त के अनुसार चलना है और उसके अनुसार चल के हमें मान निकालना है।
इसके पहले हमें a1 बटे a2 का अनुपात निकाल लेना है, जो कि है a बटे 3। a1 का मान यहाँ से देखना है a2 का मान होगा 3। इसी प्रकार हमें b1 बटे b2 का भी मान निकाल लेना है, जो कि मिलेगा 1 बटे 1। और c1 बटे c2 का भी हमें मान निकाल लेना है, जो कि मिलेगा हमें -5 बटे -1। ऋण और ऋण कैंसिल हो गया है तो हमें मिलेगा 5 बटे 1। अब हमें फर्स्ट शर्त से देखना है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि फर्स्ट शर्त क्या है। प्रथम शर्त से हमें दिया गया है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया तो फर्स्ट शर्त जो है अद्वितीय हल हो, और सेकंड है कोई भी हल ना हो। तो हम लोग पहले तो करेंगे अद्वितीय हल के लिए, तो यहाँ फर्स्ट शर्त से लिखना है अद्वितीय हल के लिए शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये आपको याद होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको याद करना है। अब a1 का मान a1 बटे a2 आपको यहाँ देखना है, a1 बटे a2 है a बटे 3, तो यहाँ लिख देना है a बटे 3। बराबर नहीं, और b1 बटे b2 का मान है 1 बटे 1, तो यहाँ लिख देना है 1 बटे 1। अब हमें तिर्यक गुणा कर देना है यहाँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको तिर्यक गुणा, और a का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो a बनेगा ये। बराबर नहीं और 3 एकम 3, तो हमें ये a बराबर नहीं 3 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सेकंड शर्त लगाएंगे, तो चलिए यहीं देख लेते हैं सेकंड शर्त है कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा शर्त उसकी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये होता है कोई भी हल ना हो के लिए। चलिए a1 बटे a2 का हमें पता है a बटे 3 है, आपको देख कर लिख लेना है उसी में से। b1 बटे b2 का है 1 बटे 1, और बराबर c1 बटे c2 का मान है 5 बटे 1। तो हमें इसका निगमन कर देना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि हम दो पक्षों को ही लेकर चल सकते हैं, दोनों पक्षों को लेकर चल सकते हैं, इसको छोड़, क्योंकि तिर्यक गुणा दोनों में ही बस होता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी तीन संख्याएँ ऐसी बराबर में हों या बराबर नहीं में भी हों, तो उसमें से एक को छोड़ देना है, तो होगा a/3 बराबर 1/1। अब तिर्यक गुणा फिर से कर देना है, तो a एकम a बराबर 3 एकम 3, यहाँ ये हो जाएगा a बराबर 3। अतः हम लिख सकते हैं हमें a के दो मान मिले हैं, एक मिला है a बराबर नहीं है 3 और a बराबर 3। समीकरण निकाय के हल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे अच्छे से नोटबुक में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।